हे गाइस वेलकम टू मोटर टेन कैसे हैं आप लोग सब आज हम आपके लिए लाए हैं द मोस्ट अवेटेड ह्यूंडाई क्रेटा फेस का आज वीडियो जी हां आप काफी टाइम से इसके लिए एक्साइटेड थे आज बारी इस गाड़ी के वीडियो की सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर स्टाइलिंग ये गाड़ी का पूरा फ्रंट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेजर चेंजेस यहाँ किए गए डिजाइन एलिमेंट्स काफी बदल गया है यहां पे एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर अटेंशन इज़ द फैक्ट इसका ग्रिल अब पहले से बहुत ही बड़ा हो चुका है लोगो like पहले से बड़ा हो गया एंड यो सी न्यू कैमरा सो यानी कि आपको 360 सिक्सटी कैमरा इसमें अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है so, तो जैसे ही इसकी लाइट्स देखोगे टॉप पे मिल जाता है डे टाइम रनिंग एलईडीज़ जो एक नहीं आगे तक यहाँ एक्सटेंड हो जाता है एंड दिस नीड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिजाइन और नीचे आपका बल्क एरिया आ जाता है क्योंकि यहाँ पे है आपके हेडलैम्प तो ये काफी ज्यादा एरिया यहाँ ले लेते हैं आर एलईडी व्हाइट एलईडी लाइट्स दिए गए हैं एंड अंडरनीट यहां पे आपके पास फॉग लैंप नहीं दिया गया ओके एज वी मूव द साइड एक चीज बता दू ये जो बंपर एरिया इसको थोड़ा ज्यादा बाहर कर दिया गया जिससे ये थोड़ा ज्यादा सॉलिड एंड चंकी लग रही है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग और वहीं पे जब हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे मेजर चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फेस ही है सो so, एक एक करके सब बताते हैं जो टॉप एंड मॉडल आते हैं वहां पे आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं टायर्स एंड इसका एलोय व्हील्स के डिजाइन में भी चेंजेस किए गए अब देखिए टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है नो ग्रिप मीन नो परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज देखिए हर एक ऐसी भी होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस बट क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी उतनी ही केपेबल है जितने की उसके टायर्स इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एपटेरा क्रॉस टायर्स

तो यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है ऑन द मिरर ऑल्सो एंड वन मो थिंग ये गाड़ी में आपके पास एड जो है इज कैमरा प्लस रेडार तो आपको दोनों चीजें मिल जाती है यहाँ पे

एंड ओवरऑल ये एक अच्छा फॉर्म बन जाता है यहाँ पे ओके okay, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है तो शाकफिन एंटेना कंटिन्यू हो रही है गाड़ी पे देन द स्पलर इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर तो यहाँ पे वो डिजाइन लैंग्वेज या एलिमेंट्स में चेंज नहीं आया तो रियर बंपर में भी वैसे ही ट्रीटमेंट दी गई है जैसे फ्रंट में तो ये काफी बाहर तक आ जाता है जिस वजह से इट स्टैंड आउट इट फील टू हैव अ मच बेटर रोड प्रेजेंस ओके बूट स्पेस तो इसमें 433 लीटर की बूट स्पेस है ओवरऑल जो काफी बढ़िया है एंड हमने यहाँ पे टेस्ट किया था पिछली क्रेटा में आई मीन इट वॉज जस्ट अ प्री फेस लिफ्ट तो ज्यादा कुछ चेंजेस एक्चुअली नहीं तो एक लार्ज साइज सूट के मीडियम एंड स्मॉल आराम से यहाँ बैठ जाएगा यू नो वन थिंग वॉट आई लाइक अबाउट द क्रेटा इज दैट कि यहाँ पे बूट जो है ना फ्लैट है ये देख रहे हैं आप इट्स फ्लैट जिस वजह से सामान डालने और निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है ओके वन लास्ट थिंग लाइक टू शो यू इज़ द फैक्ट कि इसमें पीछे आपको बोर्स का जो स्पीकर्स आते हैं गाड़ी में उसका एक सब गिवन ओवर हियर। अब बहुत हो गई बातें बाते बाहर की गाड़ी के इंटीरियर में भी काफी चेंजेस किए गए सो लेट्स गेट इन द कार नाउ रियर सीट पे जैसे हम आएंगे ओवरऑल यहाँ पे जो स्पेस दी गई है अच्छी खासी है पहले शुरू करते हैं नीरूम के साथ नीरूम अच्छा खासा है गाड़ी का देर इज नो प्रॉब्लम अगर थाई सपोर्ट देखने जाऊं अगेन इट इज गुड इनफ नो कम्प्लेन जी एंड ओवरऑल हेडरूम की भी एक्चुअली ऐसी कोई कमी नहीं है सो so ओवरऑल पीछे स्पेस अच्छी खासी दी गई है एंड सीट का रिक्लाइन भी आपको अच्छा खासा है जिस वजह से आप कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं अब यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं क्योंकि सीट काफी वाइड है एंड अगर दो लोग जा रहे हैं तो उनके पास एक सेंटर में आर्म रेस्ट आ जाता है जहां पे आपके पास भी बैठ सकते हैं वैसे दन थिंग आईड लाइक टू हाईलाइट योर आपके पास हेड्रेस केवल दो ही है लेकिन ये हेड्रेस जो है काफी सॉफ्ट है विच मेक्स योर राइड वेरी कंफर्टेबल एट द बैग तो ये आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है और

ओके okay, एंड आपको प्राइवेसी के लिए यू गेट सन ब्लाइंड इजिली यूज कर सकते हो और अगर आपको खुला खुला यू यू नो दैट फील तो पीछे तक आपके पास आ जाता है यहाँ पे सनरूफ एंड इफ यू नोटिस सनरूफ पे एक्चुअली एक थिन लेयर ऑफ फिल्म भी दिया हुआ है जिस वजह से ज्यादा कड़क धूप गाड़ी के अंदर नहीं आएगी सो दैट्स अ वेरी गुड टच गिवन ओवर हियर अब चलते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट पहले आपको दिखाता हूं द एंटायर डैशबोर्ड जिससे आपको आइडिया आएगा ये गाड़ी कैसे दिखती है सो so, ओवरऑल इसका इंटीरियर स्टाइलिंग अगर आप देखते हो इट लुक्स नीट स्टाइलिंग काफी हद तक कुछ कुछ सेम है और कुछ कुछ अलग भी है तो शुरू करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टीयरिंग व्हील में कलर चेंज हो गया है ग्रे हो चुका है एंड यू हैव ग्लॉस ब्लैक फिनिश फिनिशियर तो ये साइड आपके ऑडियो कंट्रोल्स है एंड राइट साइड में आपको कंट्रोल्स है फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आपके एडाज के फीचर्स भी है Digital, जो हमने में देखा है, ब्राइट सन के आसपास ही है एंड इट्स क्वाइट इजी टू रीड बट आई फील कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता था अब यहाँ एडास के फीचर्स तो आ गए बट आज सारी जो नई इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर्स आ रहे हैं वो थोड़े और कस्टमाइजेबल हो गया जो इसमें नहीं दिख रहा है जैसे नेविगेशन की स्क्रीन आ जाए यू नो ऑल थिंग्स आई फील वो यहां किया जा सकता था वहीं पे अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इट मूव्स ऑन टू योर कंप्लीट टच स्क्रीन टू जो आपका 10 इंच का टच स्क्रीन है तो पहले भी क्रेटा में यही साइज की स्क्रीन आती थी इट इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट इनफैक्ट अगर मैं आपको इसका कैमरा दिखाऊँ तो आप 360 कैमरा हो गया इसकी भी क्लैरिटी काफी बढ़िया है तो हमने ये अलकाजार में पहले एक्सपीरियंस किया था क्रेटा में थ्री कैमरा वॉज मिसिंग एंड नाउ क्रेटा फाइनली गेट्स इट क्या होता है कि लिखा हुआ है कि अगर आप आगे बैठे दो लोग और पीछे कोई बैठा है जो सो रहा है तो इन दैट केस आप क्वाइट मोड ऑन कर सकते हो जिससे पीछे वाले को म्यूजिक ना सुनाई दे ओके लेट्स मूव ऑन टू अदर थिंग्स इसमें आपके पास स ब्लू लिंक आ जाता है यू गेट एक नया इंट्रोडक्शन है इसमें तो अभी फिलहाल इन्होंने प्रोफाइल साइन इन नहीं किया बट आपको जियो सावन का वैली मोड एक नया फीचर यहाँ फोन प्रोजेक्शन इज बेसिकली एंड्रॉय कार प्ले एयर प्योरिफायर भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है दैट कंटिन्यूइंग ओवर हियर और ये आपका एयर प्योरिफायर का एक जो डिजाइन था यू आई वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुका है एज वी मूव अ लिटिल लोअर तो आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर ऑडियो सो आपको वो शॉर्टकट बटन मैप नेविगेशन वगैरह अगर आपको प्रेस करना है एंड जो आपका कंप्लीट ए सी कंट्रोल है वो यहाँ पे नीचे इनफैक्ट मैं ये हटा देता हूं, जिससे आप ज्यादा बेटर इसे देख पाओगे आई फील लेट मी जस्ट रिमूव दिस तो ये भी ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ आता है ये आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है क्योंकि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड आप टेम्परेचर एक्चुअली चेंज कर सकते हो नाइज मूव लोअर आप देखोगे ट्वेल्व uh, वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे यूएस भी दिया हुआ है एंड यू ऑल्सो गेट अ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अब टाइप uh, सी नया इंट्रोडक्शन है यहाँ पे बट कार प्ले जो है अभी भी वायर्ड है वो भी यूएस के थ्रू टाइप सी के थ्रू भी नहीं है नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है फोन रखने के लिए एंड आपके पास uh, यहाँ पे मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑन बोथ द साइड्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर प्लस पार्किंग का जो कैमरा का बटन था आपके ये फीचर यहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड चाबी में कुछ बदलाव नहीं है चाबी एग्जैक्टली exactly वही है लॉक अनलॉक बूट ओपन और होल्ड और ये रेगुलर वही वाली हंडे की चाबी दी गई है ओके दो कप होल्डर्स है यहाँ पे एंड अंडरनीथ इसके नीचे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है टू तो कीप स्टफ बहुत ज्यादा डीप नहीं है बट डिसेंट इनफ है तो ओवरऑल स्टोरेज स्पेस गाड़ी में काफी बढ़िया है ओके नो लेट मी शो यू अदर एलिमेंट्स ऑन द डैशबोर्ड ओके सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये पूरा नया एलिमेंट है पहले ऐसा नहीं आता था ये स्टाइलिंग में इनका चेंज आ चुका है जो पहले नहीं था प्लस ये अगर ये लाइट ग्रे कलर है तो यहाँ पे आपका सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे एलिमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं और ये आपका ब्लैक है प्लस एक और एक अलग कलर आपको दिया है विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक कॉपर या रोज गोल्ड कलर जो यहाँ दे दिया तो यहाँ पे लोग ने मल्टीपल कलर्स के साथ खेलने की कोशिश की है और एक बार आप पूरा अगर इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट लुक्स डिफरेंट मतलब है गाड़ी वही डैशबोर्ड वही है जिसपे लोग ने मल्टीपल चेंजेस किए जिससे ये अलग लग रही है वहीं पर इसकी फ्रंट सीट देखते हैं तो इनका कलर चेंज हो गया पहले आपके पास बेज आता था नाउ यू गेट दिस ग्लाइड ग्रे कलर एंड साइड में आप नोटिस करोगे तो इट गेट्स लिटिल डार्कर शेड सो सीट काफी वाइड है तो अगर आप पतले हो चौड़े हो मैटर आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो इन दैट केस और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है जो को ड्राइवर सीट है वो एक्चुअली मैन्युअली एडजस्टेबल है लेकिन जो ड्राइवर की सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है अब इसमें आपके पास टोटल तीन इंजन ऑप्शन आते हैं तीनों वन लीटर के ही है एक डीजल है दो पेट्रोल है एक नॉन टर्बो है और एक टर्बो वाला है तो टर्बो वाला आपको केवल ऑटोमेटिक में आता है और सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है बाकी के सारे इंजन आपको मोस्ट वेरिएंट्स में अवेलेबल कराए गए हैं अब इससे पहले मैं वर्डेट की तरफ जाऊं मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ चेकआउट कीजिए अपोलो के एपटेरा टायर्स क्योंकि एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एस द डिस्क्रिप्शन अभी के अभी जाके देख लीजिए इसको अब क्रेटा जो है बहुत ही बढ़िया पैकेज थी पहले भी इसमें नया इंजन आ गया काफी सारे फीचर्स आ गए जो इसमें मिसिंग गए थे सो so, इस वजह से ये एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाता है आज के तारीख में अब क्या आपको इसको लेना चाहिए नहीं प्राइस जस्ट आई है जब ये वीडियो लाइव गया लेकिन हमने इसे शूट किया बिफोर द प्राइस वेंट लाइव तो आप हमें इंस्टाग्राम पे प्राइस चेक कर सकते हो सेकंड हमारा इसका रिव्यू कल ही आने वाला है आपके लिए तो टर्बो पेट्रोल कैसी है डीजल कैसी है चलाने को हम आपके लिए पूरी क्लैरिटी मान लो उसके लिए आप कल के वीडियो के लिए सिर्फ वेट कीजिए अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए टेटा है सेल्टॉस है बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में है पेट्रोल यू डीजल यू